जयपुर के एसएमएस अस्पताल में किए गए हार्ट ट्रांसप्लांट को 1 साल पूरे होने पर आज जेएमए सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि वे स्वयं एक डोनर है और अंगदान के जरिए किसी जीवन को बचाया जा सकता है। कार्यक्रम में बहरोड निवासी मरीज धोली देवी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और घरेलू कामकाज भी आसानी से कर सकती हैं। बड़ी खुशी का विषय है कि आज एसएमएस हॉस्पिटल में जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ 1 साल पहले धोली देवी जी का, वो 1 साल बाद स्वस्थ हैं और आज उसका सेलिब्रेशन के लिए आज ये फंक्शन हो रहा है। मैं इस मोमेंट पे ये कहना चाहूँगी कि अंगदान देने से कोई डरे नहीं, उसमें कोई संकोच ना करें, क्योंकि आप एक नई जिंदगी जो है उसको बचा रहे हैं और ये महादान होता है। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हूँ, मैं एक लिविंग ऑर्गन डोनर हूँ और आप मुझे देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंगदान देने से कहीं कोई कोई विकृति नहीं आती है। आप पूरी तरह से एबल हैं अपनी ड्यूटीज़ करने के लिए। कोई भी प्रोसेस होता है, सक्सेसफुल होता है, उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है, चाहे वो डोनर हैं, चाहे उनके परिवारजन हैं, वो रिसिपियंट होते हैं। यहाँ पे पूरे सर्जन की टीम होती है, एनेस्थीजिया वालों की टीम होती है जो बहुत उनके साथ मेहनत करती है लगातार। मैं चाहूँगा कि आगे भी इस तरह से हमारा ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो प्रोग्राम है सक्सेसफुल हो और अधिक से अधिक लोगों को जीवन मिल सके। आज के प्रोग्राम में इस पर भी वो सिंपोजिया इस पर रखी है कि अंगदान को बढ़ावा मिले। ऐसे बहुत सारे ब्रेन डेड पेशेंट हमारे जो होते हैं, जो अल्टीमेटली मरी जाते हैं, उनके अन्य ऑर्गन निकाल करके, हार्ट भी उनमें से एक है, और जो मरीज हार्ट फेलियर में, लीवर फेलियर में, कोई किडनी फेलियर में, किसी और फेलियर में मिल रहे हैं, उनको उसका अंग लगा करके उनको बचाया जा सकता है। मेरे तो कुछ भी नहीं महसूस, मैं तो अच्छी तरह से सुई भी, घर का पूरा काम कर लेती हूँ, बर्तन, रोटी, सब्जी, लत्ता कपड़ा, ये घर का काम कर लेती हूँ बस। 2019 राम गोपाल जी का इलाज चल रहा था, फिर बाद में के नाम से मेरे उल्टी वाल्टी हो गई थी 2022 में, फिर राम गोपाल जी ने, राजकुमार जी ने मिलकर मेरा ऑपरेशन किया।